हजारीबाग के प्रसिद्ध सर्प रक्षक मुरारी सिंह इन दिनों कई सर्पों का सफल रेस्क्यू कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज झील परिसर के नजदीक में रेसलर वाइपर सर्प को सफल रेस्क्यू किया गया। कई वर्षों से क्षेत्रवासियों को ये सुविधा दे रहे हैं। क्षेत्र में किसी के घर में अगर सांप घुस जाता है तो सूचना मिलते ही मुरारी सिंह जाकर सफलतापूर्वक सांप का रेस्क्यू करते हैं। इस वक्त मैं हजारीबाग के आरक्षित केंद्र में उपस्थित हुआ और हमारे साथ हजारीबाग का प्रसिद्ध शख्स और सर्प रक्षक कहे जाने वाले मुरारी भैया हमारे साथ मौजूद है। आज इन्होंने एक सर्प का रेस्क्यू किया और इनसे जानते हैं कि आप तक कितने आपने रेस्क्यू किया और कितना सांप को बचाने का काम किया। अब तो रेस्क्यू का कोई हिसाब भी नहीं रखता चूँकि बहुत सारा हो चुका है। चूँकि इंटर के बाद से हम रेस्क्यू शुरू किए थे, इधर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गए, बहुत ज़्यादा लोगों को मदद कर पाते हैं। गिनती नहीं है, ऐसे कह सकते हैं कि कई हज़ार हो चुके हैं। चूँकि लंबा है वो करीब 25-30 साल हो गया करते हुए हम लोग हजारीबाग में स्नेक रेस्क्यू, और अभी और भी कुछ हमारे जो युवा बंधु है वो तैयार हुए हैं, लेकिन शुरुआती दौर में हम थे और हमारा सहयोगी डॉक्टर सत्य प्रकाश था, हम लोग कंजर्वेशन का काम करते। लेकिन अगर नहीं जाते हैं आप दूसरे चक्कर में रहते हैं जो पुरानी मान्यताओं में झाड़ फूक में ओझा में और ये मंत्र और ये सब चक्कर में रहते तो जान चली जाएगी। तो सर आजकल जिस तरह से घर में सांप घुस रही है उसकी ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, इसके आने वाला दिन में भी इसकी आबादी घट रही है, इसको किस तरह से रक्षा करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की ओर से व्यवस्था हो गई है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 2022 अप टू डेट हुआ है, 72 था अब अपडेट होकर 2022 हो गया है। उसमें इन प्राणियों को कैटेगराइज करके संरक्षित किया गया है। पहले था कि आप किसी भी सांप को मार देते थे, किसी भी जंगली जानवर का शिकार कर लेते थे, लेकिन अब एक्ट बन गया है अगर आप सांपों को मारते हैं, अगर वो संरक्षित श्रेणी का सांप है तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो सरकार की ओर से संरक्षण मिल गया, लेकिन चूंकि हम लोग सांप से डरते हैं इसीलिए सांप को देखते हुए पहला लाठी निकालना है, उसको मारना है।